हिजबुल्ला ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्ला के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्ला। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्ला का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्ला के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्ला के पास है फज्र 5 रॉकेट, जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्ला के पास है खैबर रॉकेट, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्ला के पास है जलजाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्ला का रॉकेट का गोदाम पूरे इसराइल को कवर करता है। इसमें इसराइल का हर शहर रेंज में है। इसराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और एश्किलोन भी हिजबुल्ला की रेंज में है। बीरशेवा शहर को भी हिजबुल्ला अपनी रॉकेट रेंज में कवर करता है। लेकिन खतरा उत्तरी इसराइल में ज्यादा है, जहां हिजबुल्ला के छोटी दूरी के रॉकेट भी कहर मचा रहे हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीट शियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इसराइल ने हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इलाकों में इसराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं, सब हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। So we can't go in the water with the kids, but it's okay. It's so dangerous, so it's okay. We are happy to be in Tel Aviv. We feel okay. I'm not scared, but it's better to go to the beach. But it's okay. We are going to do something else. इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल नजर आ रहा है। हिजबुल्ला अब ऐसी ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इसराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। रॉकेट हमलों के साथ साथ पिन पॉइंट अटैक के लिए हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। 3 तरह की इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में पहली है कॉर्नेट, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास हैं। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। ऐसी मिसाइलों से हिजबुल्ला लेबनान इजराइल बॉर्डर पर लगातार अटैक कर रहा है और इजराइल के सामने हालात ऐसे हैं कि उसे रिएक्शन का वक्त भी नहीं मिलता। कुछ दिन पहले हिजबुल्ला ने एक ड्रोन वीडियो रिलीज करके इजराइल को चौंका दिया था। इस वीडियो में हिजबुल्ला का एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन इसराइल के खुफिया ठिकाने में घुसकर वहां लगे कम्युनिकेशन टावर की करीब से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसराइल के खिलाफ 416 लड़ाकों को खोने वाला हिजबुल्ला बहुत भड़का हुआ है।
ऐसा ही एक और वीडियो पूरे इजराइल में कोहराम मचा चुका है। हिजबुल्ला दावा कर रहा है कि अब इजराइल के इंच इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है, उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उसके पास पहुंच चुके हैं। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। जो ड्रोन इजराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया है। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया इजराइल का अंत। 10 मिनट के वीडियो में नसरल्ला ने दिखाया अपना खुफिया मिशन। 10 मिनट के वीडियो में क्या हिजबुल्ला ने खोज निकाला इजराइल का एटम बम। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्ला ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया 440 वोल्ट का झटका। हिजबुल्ला ने इजराइल को डराने वाला वीडियो जारी किया तो नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए। अब तक हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है। हिजबुल्ला का एक एक हमला इजरायली सेना के रुतबे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। और अब हिजबुल्ला की तरफ से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इजराइल के सामने बड़े खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। وهو يعرف انه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا। हाइफा पोर्ट पर इजराइल की नेवी का बेस है। यहाँ इजराइल नौसेना के शिप खड़े होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है। हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टोह लेने वाले हिजबुल्ला के ड्रोन ने इजराइल कैंप में खलबली मचा दी है। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन इजराइल के सबसे बड़े खौफ को भी देखिए। छोटे मोटे रॉकेट्स के साथ हिजबुल्ला के पास है M600 मिसाइल, जो ईरान के फतेह 110 मिसाइल की कॉपी कही जाती है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 700 किलोमीटर रेंज वाली स्कर्ट मिसाइल भी है और ये पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डों को भी तबाह कर सकती है। इसराइल शुड प्रोटेक्ट हरसेल्फ इमीडिएटली स्ट्रॉन्गली एंड विदाउट एनी अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। इट्स वेरी बैड दैट वी केम टू दिस पॉइंट, बट देयर इज नो अदर वे। इसराइल शुड प्रोटेक्ट हरसेल्फ। इसराइल शुड डोंट आस्क द वर्ल्ड अबाउट देयर ओपिनियन। इसराइल शुड टेक एनी cautions to take care of the citizens। कुल मिलाकर इजराइल में डर बहुत ज्यादा है और वो इसे लेकर अलर्ट भी है। 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 साल पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजराइल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा का कर रहा है। इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन दहशत इजराइल में भी है। हाइफा जैसे बड़े शहरों में भी डर पसरा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 2006 के मुकाबले हिजबुल्ला इस बार 10 गुना ताकत से इजराइल पर हमले कर सकता है और अब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो रोज इजराइल पर 1,500 रॉकेट से हमले अंजाम दे सकता है। כל יצור אנושי אמור לחיות וזכאי לחיות בבטחה ובשלום, וזה יותר חשוב ממי צודק, אם אנחנו או הם או הנוצרים, זה לא משנה מה, צריך לחיות בשלום। देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में साल 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है।